वो मार मात के उनकी जो है वो आत्मा ही रोल दी, ऐसी रोली के उनको तो फुटबॉल मुझे लग रहा है ग्राउंड में नजर आ रहा था। क्या कल भी इंडिया नहीं जीतता है और कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भी 360 है ना, और वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। हाँ जी स्काई जी, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आप अच्छा खेलते रहना, आई सपोर्ट यू, और आप बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो कुछ हो सकता है। सूर्या हाँ। वैसे छक्के मारो, छोड़ेगा नहीं। हाँ। तो इसलिए आई लव इंडिया, आई लव विराट, तो आई लव रोहित शर्मा साथ। अच्छा लगा, इतना अच्छा खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं ना कि मुझे तो उनका मैच देखना बहुत पसंद है। मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि वो 36 बॉल पे अपनी दीवार ताजा करे, सेंचुरी मारे। 36 बॉल पर सेंचुरी वाला। बाप तो बाप होता है, ये तो इनको इस तरह धोएंगे जैसे धोबी कपड़े धोता है। क्या होगा कल, क्या होगा? ऐसे होगा, चक्के दे छक्का, चक्के दे छक्का इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्काई बहुत पसंद है और उसकी परफॉर्मेंस तो दोबारा नहीं देंगे। रिंकू भाई आपके छक्के बक्के बहुत ही अच्छे हैं, बड़ा मजा आता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि कल जो रिंकू है वो भी अच्छी तरह मतलब छक्के चौके मारे। आपको पता स्काई की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है, वो चौके छक्के। और ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं है इंडिया की, इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं है। नहीं, तीसरे मैच में धमाका होने वाला है, बम फटने वाला है स्टेडियम में। ये बड़ा मारेंगे, आप पिछला मैच देखा होगा 235 रन बना के। खून उनके मुंह को लग गया था, तो उन्होंने कहा बस हमने जीतना ही जीतना और हम जीत के ही रहेंगे, तो वो ट्रॉफी हासिल करके रहेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया को पागल कर देगी। हाँ, कैसे करेंगे? मैं पहले कैप्टन को ही सपोर्ट करूंगी। आपको पता है पहले फर्स्ट वाली सीढ़ी को देखा जाता है, फिर लास्ट वाली सीढ़ी को देखा जाता है। कोई मसला नहीं, इनको ऐसे मारो जैसे बच्चे कुत्ते को नहीं मारते पटा डाल के। तरस तो आता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जिस तरह वो कुट खा रहे हैं हमसे, लेकिन इंडिया स्पेशली जो है वो सबकी फेवरेट है। ऐसे करेंगे, ठक ठिकी ऑस्ट्रेलिया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो कैप्टन है वो सूर्य कुमार यादव है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आम नादल एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। आज ही बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में। ऑलरेडी इंडिया 2-0 की लीड से इस सीरीज में जो है वो जलवा कर है। होने क्या वाला है जहां पर सूर्या कुमार यादव हो, जहां पर रिंकू सिंह हो, जहां पर यशस्वी जायसवाल हो, वहां पर ऑस्ट्रेलिया क्या परफॉर्मेंस देगी कल के मैच में? तीसरा T20 सीरीज का मैच कल होने वाला है, कौन कितने पानी में है कल फिर से पता चलने वाला है। चलते हैं लोगों से बात करें कि उनको क्या लगता है, वो किसको सपोर्ट करें। आप अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमने लास्ट टाइम आपसे इंटरव्यू लिया था, आप बहुत ही ज्यादा जो है वो एक्साइटेड थे कि इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया जीता नहीं। और अब जो है उस दिन से गायब हूँ, आज ही शक्ल बाहर निकाली है, मैं कहा कि इंडिया हार गई है। हाँ। इनके सामने बड़े बड़े दावे करके गया था इंडिया जीतेगी, वो मुझे मारे ना। हाँ। तो आज आया हूँ काफी दिनों बाद, उस दिन सच में बड़ा सैड था, सच में रोया हूँ मैं। हाँ। तो अफसोस के ऑस्ट्रेलिया जीत के ले गई, ऐसे ही है। लेकिन अगर अब देखें तो सीरीज में जो इंडिया हाल कर रही है, देखें उन्होंने पता नहीं बैड लक क्यों होगी इंडिया की, रोहित भाई की वजह से, जो रोहित भाई ने गलत आउट हुए गलत शॉट पे। हाँ। अगर रोहित भाई ना आउट होते तो 300 रन बन रहा था, इंडिया जीत भी रही थी। हाँ। तो बॉलिंग भी नहीं अच्छी हुई, बैटिंग भी नहीं अच्छी हुई इंडिया की, उस दिन बैड लक थी। तो बाप तो बाप होता है, ये तो इनको इस तरह धोएंगे जैसे धोबी कपड़े धोता है। ओके। क्योंकि बदला तो वो लेंगे, ये वर्ल्ड कप लेके चले गए हैं, उनके घर से जीता हुआ वर्ल्ड कप ऐसे इंडिया वालों को दिल से छू के गुजर के गया वर्ल्ड कप। तो बड़ा अफसोस जैसे मुझे हो रहा है वैसे रोहित भाई को भी हो रहा है, इंडिया की पूरी टीम को हो रहा है, पूरे इंडिया को हो रहा है। तो ये बड़ा मारेंगे, आप पिछला मैच देखा होगा 235 रन बना के गए हैं वो। तो उनकी बी टीम, चाहे अगर ए टीम खेलती तो शायद 300 T20 में 300 बना जाते, तो बी टीम उनकी 235 बना के जा रही है। तीसरे मैच में धमाका होने वाला है, बम फटने वाला है स्टेडियम में। आप देखेंगे किसी को उम्मीद? मुझे खुद जाती तौर पे, मैं इतना जो है शौकीन हूँ क्रिकेट का, मुझे खुद जाती तौर पे एक धचका लग गया था कि इंडिया ने किया गया, लेकिन इंडिया ने वो कहते नहीं एक जादूगर दिया, वो जादूगर बन के जो है इंडियन प्लेयर सामने आए हैं, और उन्होंने मार मार के उनकी जो है वो आत्मा ही रोल दी, ऐसी रोली के उनको तो फुटबॉल मुझे लग रहा है ग्राउंड में नजर आ रहा था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज जो जा रहा है ना, इंडिया ऑलरेडी 2 विन कर गया है और 5 का सीरीज है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और कल उम्मीद ही नहीं, मैं पक्का कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कल इंडिया जीतेगा। कल इंडिया जीतेगा सर, जिस तरह से रिंकू सिंह को हमें नजर आए, जिस तरह से जायसवाल नजर आए, 25-25 बॉलों पे 50-50 मार रहे हैं, 9 बॉलों पे 31 छक्के छक्के चौके की क्या हो रहा है, ये T20 हो रहा है, 253-235 ये क्या टारगेट है इसका? मैं आपको मेन रीजन बताऊँ ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो कैप्टन है वो सूर्य कुमार यादव है।
वो खुद भी एग्रेसिव है ना। तो जो आपका लीडर होता है ना, लीडर अपने आप वो दूसरे खिलाड़ी को कहते हैं किस तरह खेलना है, तो वो उस प्लान को फॉलो करता है। ठीक है, तो क्या लगता है कि सूर्या कुमार यादव की सारी प्लानिंग है जिस तरह से ये परफॉर्मेंस आ रही है? हाँ, मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि वो खुद भी 360 है ना, और वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। रिंकू भाई, आपके चौके बोके बहुत ही अच्छे हैं, बड़ा मजा आता है। चौके बोके बड़े अच्छे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। आप मजा आता है? बहुत। कल इंडिया ही विन करेगा, दो मैच इंडिया ही विन कर रही है और तीसरा मैच भी इंडिया ही विन करेगा। आपको पता है स्काई की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है। हाँ। वो चौके छक्के और बहुत अच्छा खेल रहा है। हाँ। और रिंकू को तो मैं थोड़ा सपोर्ट थोड़ा ही करूंगी, ज्यादा मैं स्काई को ही करूंगी। मैंने काफी इंटरव्यूज दिए तो मैंने सब में स्काई का नाम ही लिया। और अगर मैं अभी कहती हूँ कि रिंकू बहुत अच्छा खेल रहा है तो वो देखने वाले कहेंगे कि लड़की बड़ी वो है कि अभी स्काई का ही नाम लिया जा रही थी और अचानक वो रिंकू पे आ गई। तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्काई बहुत पसंद है और उसकी परफॉर्मेंस तो Outclass. Speechless. क्या लगता है रिंकू को क्यों कम सपोर्ट कर रही है? उसने जिस तरह से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी है भाई, उसका बनता है क्रेडिट? मैं पहले कैप्टन को ही सपोर्ट करूंगी। आपको पता है पहले फर्स्ट वाली सीढ़ी को देखा जाता है फिर लास्ट वाली सीढ़ी को देखा जाता है, तो मैं पहले फर्स्ट पे ही जाऊंगी फिर लास्ट पे आऊंगी। ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं है इंडिया की है। इंडिया क्या क्या ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं है? नहीं। तो इंडिया क्या परफॉर्मेंस देगा, क्या बैटिंग करेगी इंडिया की? 240 मारेगा इंडिया। 240? हाँ जी। ओ माय गॉड, कोई बता रहा हूँ ना कि मतलब जिस तरह हम डॉक्टर एक बॉडी एक जिस्म से मतलब जिस तरह कैंसर को निकाल सकते हैं ना, इसी तरह मतलब इंडिया इंशाल्लाह इसी तरह मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का वो है ना मतलब पूरी जो ग्राउंड है ना ग्राउंड से इसी तरह निकाल के मतलब हरवाएगा, मतलब कैंसर की तरह साइड में कर देगा इंशाल्लाह, इसी तरह होगा और इंडिया यही जीतेगा, जीत करके दिखाएगा, जीत कर दिखाएगा। थर्ड मैच में अब ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट है जो लानी है उन्होंने? देखें, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत कोई नहीं है इंडिया को, मुझे लग रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं पे इंडिया को स्टार्टिंग ओवर्स जो है वो उसमें बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो ओवरऑल वर्ल्ड कप में आपका बॉलिंग कंपैरिजन चल रहा था वो यहाँ पे नहीं बन रहा। आपका जो वो स्टार्टिंग पहला ओवर करता है हर्षदीप सिंह, ठीक है, उसे मार पड़ दिया टोटली, तो बॉलिंग में थोड़ा, लेकिन बैटिंग जो है उनकी फर्स्ट क्लास चल रही है, उसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने ट्यूशन जाना था, मैंने अपनी मम्मा को एक बहाना लगाया झूठा, तो मैंने बोला मेरा मम्मा बहुत तेज दुख रहा है, तो मैंने चुप चुप के मैच देखा, चुप चुप के मैच देख लिया। क्या लगता है कौन छक्के छक्के मारने वाला है, कैसे छक्के बजेंगे? उन्होंने का नया कैप्टन आया ना, वैसे सूर्या हाँ। वैसे छक्के छोड़ेगा नहीं? हाँ, छोड़ेगा ही नहीं, नहीं। ओ माई गॉड, तो मतलब के इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। पहले तो आपको पता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप लेकर गए है, लेकिन इस दफा मतलब जो इंडिया है ना गलती से लेकर गए, लेकिन इस दफा जो इंडिया है ना इतना धक्के मुक्के मार के इतना भगाएंगे ना, तो मतलब यह मौका दोबारा नहीं देंगे ऑस्ट्रेलिया वालों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को ये मौका दोबारा नहीं इनको देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मतलब के इंडिया ने ऐसा सलूक करना है, ऐसे सलूक करना है, ऐसे करेंगे ठक ठिक्की ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसे करेगी। हाँ जी, फेवरेट प्लेयर है फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो मुझे सिर्फ मैं खुद भी अफरीदी हूँ ना, तो हम अफरीदी लोग तो क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। हाँ। ना और देखते हैं, और हमारे आपको पता है बूम बूम भी छक्के मारते हैं, तो मुझे जो बंदा छक्के मारते हैं मुझे वो पसंद होता है, जो बंदा छक्के मारता है वो पसंद, इसीलिए आपको सूर्या पसंद है। हाँ, इस वजह से। और सूर्या के छक्के कैसे लगते हैं आपको? बहुत ज़बरदस्त, बहुत जबरदस्त। सर, आप इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो गई है। सूर्या चलो छक्के चौके मारते हैं, मिस्टर 360 भी है, एक अच्छा मिस्टर 360 भी है, ये बात तो हम लोगों ने मान ली, लेकिन एज ए कैप्टन भी वो इतने अच्छे हैं, ये तो हमें समझ नहीं आई। मतलब एक ही चीज होती है, ये बंदा अच्छा कैप्टन होता है, लीडर होता है, या बंदा अच्छा हिटर होता है। अगर ऐसा कैप्टन अच्छा ना होता ना, तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है ना फाइनल। हाँ। वही टीम ऑस्ट्रेलिया का अभी खेल रहा है ना। हाँ। रिसेंटली। हाँ, तो वही टीम के सामने अभी किस तरह खेल रहा है, ये मतलब आप खुद सोचो। हाँ। ये लीडर भी अच्छा है बंदा, हो बिल्कुल। 235 तो पिछले मैच में था, इस दफा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर तो वही एवरेज रही तो, क्योंकि 235 भी उसी सूरत में हुआ कि इंडिया सेंटर में आके थोड़ा स्लो हो गया था। अगर तो वही सूरत हाल रही कि 7 ओवरों में 90-100, तो तकरीबन इंडिया जो है वो 270-280 तक जाएगा। ओह माय गॉड, 280, मतलब सर ये T20 वाला टारगेट तो नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, T20 वाला टारगेट जो है कभी होता था 120-130, फिर बढ़ता बढ़ता 150 पे आया, 190 पे गया, अब 200-250 बनना स्टार्ट हो गया। क्रिकेट जिस तरह जितना फास्ट हो रही है उस तरह अप जाएगा। हाँ। और जिस तरह ही जो स्कोर को अप लेके जाएगा उसमें इंडिया की टीम टॉप 1 पे है, फिर बाकी टीमें आएंगी, सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस सीरीज में, आपका फेवरेट कौन है? देखें, तरस तो आता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जिस तरह वो कुट खा रहे हैं हमसे, लेकिन इंडिया स्पेशली जो है वो सबकी फेवरेट है, जीत अच्छा कर सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया का वही टीम है और इंडिया का टीम भी चेंज हुआ है, तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना,
तो मैं तो चाहता हूँ कि कल जो रिंकू है वो भी अच्छी तरह मतलब छक्के चौके मारे, बस मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि वो 36 बॉल पे अपनी दीवार याद ताजा करे, सेंचुरी मारे। 36 बॉल पर सेंचुरी वाला, मैं तो चाहता हूँ। ओके सर, सूर्या कुमार यादव से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 50 मारे और रिंकू सेंचुरी मारे। अच्छा क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया भी तो खेलने आई है, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलेगी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पागल कर देगी। इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पागल कर देगी। हाँ कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ जी, क्योंकि जो है ना इंडिया खून उनके मुंह को लग गया था, तो उन्होंने कहा बस हमने जीतना ही जीतना और हम जीत के ही रहेंगे, तो वो ट्रॉफी हासिल करके रहेंगे। मतलब कि खून खार हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ये कोई मैसेज नहीं कि इंडिया के प्लेयर्स को जिस तरह से वो खेल रहे हैं, क्या ओवरऑल ओपिनियन? हाँ जी स्काई जी, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आप अच्छे खेलते रहना, आई सपोर्ट यू, और आप बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो कुछ हो सकता है। क्या होगा कल? इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हाँ। पक्की बात है। हाँ जी, क्या होगा कल, क्या होगा? ऐसे होगा, छक्के दे छक्का, छक्के दे छक्का, इंडिया इंडिया। हाँ अच्छा क्या कहोगी कि कैसा लगा आपको मैच? इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं ना कि मुझे तो उनका मैच देखना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। क्या कल भी इंडिया ने जीतना है और कोई जीत ही नहीं सकता। अच्छा आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? रिंकू भाई मेरे फेवरेट है। लगता है कल रिंकू किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे? रिंकू भाई, इतने अच्छे मैच खेलते हैं, इतने अच्छे मैच खेलते हैं, आपसे तो गिने भी नहीं जाएंगे, गिने भी नहीं जाएंगे। नहीं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। क्या छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, क्या मारेंगे? चौके, चौके मारेंगे, छक्के भी मारेंगे, दोनों मारेंगे, दोनों मारेंगे। इंडिया टैलेंट की कदर करता है, उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, जैसे सूर्या कुमार यादव, रिंकू सिंह जैसे नया टैलेंट लेके आए हैं, और उसके बाद शुभमन गिल था, केएल राहुल था, आईपीएल उनका काफी बड़ा होता है, काफी अच्छे प्लेयर उनको मिलते हैं आईपीएल में, तो वो सबको मौका देते हैं खेलने का, तो इसलिए आई लव इंडिया, आई लव विराट, तो आई लव रोहित शर्मा, साथ में शुभमन गिल भी, तो क्योंकि वो अच्छा खेले हैं वर्ल्ड कप में, बैड लक की वजह से हार गए, कोई मसला नहीं, इनको ऐसे मारो जैसे बच्चे कुत्ते को नहीं मारते पटा डाल के, ऑस्ट्रेलिया वालों को ऐसे मारो, बदला लो इनसे। बिल्कुल ऐसे ही है, थैंक यू।